तो मेघालय में अगले साल शुरू में चुनाव होना है और आज राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है मेघालय की, क्योंकि वहां पर पहुंची है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएं, क्योंकि वहां पर कद्दावर नेता जो मेघालय के मुकुल सांगमा वो नेतृत्व कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के और तमाम नेता उनसे जुड़ रहे हैं। मेघालय में आने वाले दिनों में क्या होगा चुनावी परिदृश्य, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए पत्रकार दीपक वर्मा के पास जाते हैं। दीपक, जब हम बात करते हैं टीएमसी की तो दूसरी पार्टियों की भी बात करना जरूरी है, और पिछले दिनों हमने देखा कि एनपीपी के साथ जो कांग्रेस का एक धड़ा था वो जाकर मिल गया था, और कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो टीएमसी में चले गए और बाकी के नेता जो हैं वो एनपीपी से जुड़ गए थे। क्या इसको देखते हुए आपको लगता है कि एनपीपी कमज़ोर नहीं हुई है बल्कि एनपीपी भी मजबूत है और एनपीपी की बात समानांतर चलनी चाहिए जब टीएमसी की हम बात करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कहना कि एनपीपी कमज़ोर हो गई है ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ऐसे दावा तो हर कोई कर रहा है, हर पार्टी कर रही है कि हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके आएंगे, वो कह रहे कि हम पूरा बहुमत लेके आएंगे। देखिए, दावे अपनी जगह है, लेकिन एक पत्रकार के नज़र से अगर मैं बात करूं तो हमने भी जो सर्वे किया है उस सर्वे में पूर्ण बहुमत किसी को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक हंग असेंबली फिर से आने की जो एक संभावना है वो प्रबल है। दावे अपनी अपनी जगह है, लेकिन हमने जो जनता का जो व्यू लिया है और लोगों से जो रुझान लिया है उस आधार पर अगर हम कहें तो ये जो एक क्वालिशन गवर्नमेंट और हंग असेंबली जो कहते हैं वही बनती हुई नज़र आ रही है, और इसके अलावा दावे जो है वो कहीं भी नहीं फिट नहीं बैठे। एक तरफ आप पार्टियों से बात करें तो हर कोई ये दावा कर रहा है कि हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके आ रहे हैं, लेकिन वही अगर आप जनता में जाते हैं, जनता का रुझान पूछते हैं तो उनका कहना है कि मतलब उनकी अलग अलग बन रहे। अगर टीएमसी कहती कि मैं एक अच्छा मतलब नंबर लेके आऊँगा तो उनका कहना और ग्राउंड रियलिटी जो है वो मेल नहीं खा रही है। अगर एनपीपी कह रही है कि हम एक अच्छा मेजोरिटी लेके आ रहे हैं, वो कहे तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन अगर आप वही बात जनता से पूछ रहे हैं तो तस्वीर कुछ उल्टी आ रही है। बिल्कुल यही बात है कि दावे अपनी जगह हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और दिखा रही है। और एक बात कहें कि टीएमसी की, तो टीएमसी डेफिनेटली एक नई पार्टी है, उसको अभी कम से कम समय लगेगा। ये चुनाव में हो सकता है टीएमसी को कुछ सीटें मिले, कुछ सीटें मतलब एक जो नई पार्टी के लिए जो एक सीट आ सकती है वो आ सकती है, लेकिन ये कहें कि वो गवर्नमेंट बना देगी या फिर वो पूर्ण बहुमत लेके आएगी, ये तो हमें लगता है कि कहीं ना मतलब कहना बिल्कुल गलत है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो कहीं उस दावे पे फिट नहीं बैठती है। यूडीपी, पीडीपी, एचएसपीडीपी और भी तमाम पार्टियां जो हैं उन पर हम बात करेंगे बारी बारी से, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अभिजीत मजुमदार हमसे जुड़े हुए हैं। वो कह रहे थे कि उनकी पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत लाएगी वहाँ पर, लेकिन हमारे न्यूज एडिटर नवरण गोस्वामी ने वो कमियाँ दिखाई कि कहाँ कहाँ तृणमूल कांग्रेस को भी काम करना पड़ेगा। उन्होंने जिलों को एक एक करके बताया कि किन जिलों में किस तरह से राजनीतिक जो है वो स्थिति है पार्टियों की, और वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अब अभिजीत मजुमदार, क्या आपको नहीं लगता है कि जो काम आपको करने चाहिए थे इतने दिनों से, जब से मुकुल सांगमा ने तृणमूल कांग्रेस का हाथ थामा है, तब से हमने शुरू में देखा कि वो कोयला खदानों का दौरा कर रहे थे और वहाँ सवाल उठा रहे थे, उन्होंने जो खासी लैंग्वेज है उसको संविधान की 8वीं सूची में का भी वकालत की और कई तरह की बातें, लेकिन बीच में हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस से कोई ज़्यादा कोशिश नहीं दिखी है। इससे बात नहीं है, मुकुल शर्मा जी बहुत सीनियर लीडर है, वो चीफ मिनिस्टर बहुत दिन से था और उनका चीफ मिनिस्टर उनका ऑनेस्टी आम जनता को, मेघालय का सब जनता को सब आदमी को मालूम है जे उसका रॉयलिटी और ऑनेस्टी। और सेकेंड जो बात है, अभी जो सेंट्रल में जो चल रहा है सबको मालूम है जे ये गवर्नमेंट सब कुछ बेच रहा है, जो गवर्नमेंट जो स्वाधीनता का बात जो किया है एक
एक एक चीज बेच रहे हैं। मेघालय में सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन है? एक ही इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा जिसका हेडक्वार्टर है वो नेपको। नेपको का जॉब 1000 करोड़ रुपया साल में प्रॉफिट के लिए खड़ा किया, और नेपको का चेयरमैन भी उस टाइम एजीओएस था जो खासी था। हम लोग पूरा नेपको पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए हुआ था। ये गवर्नमेंट आने का साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और मेघालय गवर्नमेंट का साथ मिल के नेपको को बेच दिया एनटीपीसी के, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और नेपको का एक एक एम्प्लॉय और एक एक आदमी को मालूम है जो कितना बड़ा धोखाधड़ी किया ये पावर सेक्टर में। और उसका बाद भी जो जो पावर सेक्टर आने का था बाद कांग्रेस पीरियड में भी था, उसका बाद में जो जो ये पावर प्रोजेक्ट का था सब टोटली स्टॉप हो गया। इकोनॉमिकली सबसे ऊंचा में था वह अभी सबसे नीचे आ गया। और ये चीफ मिनिस्टर को तो आम जनों तक चांस दिया, उनको 5 साल किया, लेकिन 5 साल में क्या किया? ना तो सेंट्रल से कोई रुपया ले आने के लिए सक्षम हुआ, ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, ना तो कोई इंडस्ट्री स्थापित किया, ना तो वो तो एक ही काम के लिए बिजी है, वो है कैसे कोयला सिंडिकेट करेगा। और तृणमूल कांग्रेस का जो जो बात हमारा दीदी ममता बनर्जी और हमारा जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी और मुकुल शर्मा जी जो जो हम लोग इलेक्शन का पहले बोलता है एक एक जगह में उसका हम लोग बाद में उसको सफलता का साथ पब्लिक के पास ले जाता है। इसीलिए मेरा दृढ़ विश्वास है जे मेघालय में जो चुनाव आ रहा है आम आदमी सब सेट करके रख दिया। चुनाव का बात आप देखेगा जब 95% बहुमत से तृणमूल कांग्रेस जी वहाँ। अभिजीत जी और भी सवाल हैं। आपने कहा कि आप प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, हमारे पास एक वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद और भी सवाल है जो आपसे हम करने वाले हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।